गुमला में 35वें उपायुक्त के रूप में सुशांत गौरव आज पदभार ग्रहण कर लिया है। आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय कक्ष में निवर्तन उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने नव पद स्थापित उपायुक्त सुशांत गौरव ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रभार सौंपने और ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण की। यहाँ पर क्या डिमांड होगी, जैसे क्योंकि सेम ज्योग्राफिकल सिनेरियो है, सोशियो इकोनॉमिक जो है यहाँ का भी सेटअप वही है, तो कोई बहुत विशेष चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि बहुत ही शानदार काम जो पहले की टीम ने की है, जो यहाँ से भी जो डीसी भी जा रहे हैं उन्होंने कराया है, तो कोशिश रहेगी कि उसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। और अगर कुछ जगह के अनुसार कुछ और भी करना होगा, जो प्राथमिकताएँ बताई जाएंगी जगह के द्वारा, हम लोग वैसे ही काम किया जाएगा। और सभी पदाधिकारियों का, आप लोग प्रेस और मीडिया का, सभी जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के नागरिकों का बहुत हमको सहयोग मिला। और मैं जिस समय आया उस समय कोरोना बहुत पीक पर था, परंतु हमारे टीम ने बेहतरीन काम किया और फर्टिलिटी रेट जो है गुमला का बहुत कम रहा और मात्र 38 ही डेथ हो पाए सेकेंड वेव में। थर्ड वेव में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वैक्सीनेशन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और 18 प्लस में हम लोग 100% वैक्सीनेशन करवाएं। 15-17 एज ग्रुप में हम लोग सबसे पूरे स्टेट में टॉप पर स्टिल अभी भी हैं। लगभग कोडरमा अब आगे हो गया बट सेकेंड पोजिशन पर है। इसके अतिरिक्त जो मेरा यहाँ पर जो काम छूट गया और नए डीसी साहब से हम अनुरोध करेंगे, डीडीसी भी नए हैं, बहुत एनर्जेटिक है, कि जो हम लोगों का खाता खोलने वाला है स्टूडेंट का, जिसमें छात्रवृत्ति मिलता है, अब जब हम लोग आए थे तो 47,000 ही लोगों को प्री मैट्रिक में छात्रवृत्ति मिलता था, लेकिन हम लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया, खासकर 1-to-1 बैंक मैनेजर से हम लोग बात किए, 72 ब्रांचेज है यहाँ और हम लोग अभी के स्थिति में 90,000 खाता खोले हैं और कोशिश रहेगा 1,06,000 जो मेरा प्री मैट्रिक का टारगेट है वो हम अचीव कर लें। नंबर दो, जो धान किया प्राप्ति वाले में था, जब हम लोग आए तो मात्र 3500 ही लोग किसान इनरोल होते थे, लेकिन आज के तिथि में वो 11-12,000 हो गए, तो इस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। और नए डीसी साहब से अनुरोध है कि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, खासकर यहाँ पर एसटी बाहुल्य लोग रहते हैं, उनको पूरा विकास मिले, सरकार की योजना जो चल रही है उसमें पूरा भागीदार, बाईपास का सपना पूरा। बाईपास में आज ही हम 1 तारीख को बोले थे कि हम उद्घाटन करेंगे डाइवर्सन का खासकर, लेकिन अब नए डीसी साहब करेंगे उसको और जाम से तत्काल मुक्ति उसको मिलाया जाएगा। नए डीसी साहब से वहाँ भी सिमडेगा में बहुत अच्छा काम किए हैं और प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का था उसमें प्रधानमंत्री अगर बात किए तो सिर्फ झारखंड में सुशांत जी से ही बात किए थे, क्योंकि बेहतरीन काम वहाँ पर सिमडेगा में किए थे, तो वही मैं मोमेंटम यहाँ भी वो रखें।